अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको ऐसा फार्मूला बताने जा रही हूँ जो नाइट क्रीम है, और बहुत ही क्रेज़ी ये फार्मूला है क्योंकि मैं आप लोगों को बताने के लिए बहुत क्रेज़ी हो रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है, हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट है। तो आपने क्या करना है जनाब, इसे रात का टाइम में अप्लाई करना है, सुबह टाइम भी अप्लाई करें आप पे डिपेंड करता है, लेकिन रात का ये फार्मूला है। तो नुस्खे को नोट फरमा लीजिए, करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास होना चाहिए जनाब चीज़ जो हमेशा की तरह हम अपनी चीज़ों में यूटिलाइज़ करते हैं, नहायत ही आसानी के साथ मिल जाने वाली फेयर एंड लवली इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान में भी। अब आपको मेरे से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इस फार्मूले से बनाएंगे हम ऐसा फार्मूला जो आपको फौरन गोरा चिट्टा कर देगा, मतलब ये कि सातवें दिन आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक दिन का फार्मूला है जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, आपने हफ्ते का बनाना है। देन दूसरे हफ्ते, एक हफ्ते की क्रीम बनाने के लिए 4 चम्मच आपको फेयर एंड लवली चाहिए, लेकिन यहाँ एक दिन की बनाने जा रही हूँ इसलिए मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया, ठीक है। एक हफ्ते की बनाने के लिए आपको ग्लिसरीन पूरा चम्मच भर के चाहिए, एक दिन बनाने के लिए आपको थोड़ी सी ग्लिसरीन चाहिए, मतलब 5 ड्रॉप। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। और तीसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो हर किसी के पास होती है, तिब्बत क्रीम। अगर इंडिया में कोई भी सूटेबल आपके पास क्रीम है वो ऐड कर लीजिए, पाकिस्तान में नहायत आसानी के साथ आपको तिब्बत क्रीम मिल जाती है। ये तीसरी चीज़ आपने एक हफ़्ते की जब बनाने जा रहे हैं तो आपको चाहिए जनाब 4 चम्मच, और अगर आप एक दिन के बनाने जा रहे हैं तो 1/2 टेबल स्पून, ठीक है जी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इन सारी चीज़ों को, देन आपकी जो शेप आएगी क्रीम की वो लिक्विड नहीं आएगी, बहुत ही हार्ड सी आएगी। अगर आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा अरके गुलाब भी ऐड कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और एयर टाइट कंटेनर में हम बना के इसे रखेंगे, क्योंकि ये हवा लगने से या फ्रीज़र में वैसे भी पड़ी रहे तो ये ख़राब हो जाएगी। पंसार से जो चीज़ आपको हर जगह से मिल जाएगी, या पंसार से भी ये आराम से मिल जाती है, इसका पाउडर मिल जाता है, इसकी लकड़ियाँ मिल जाती है, लेकिन घर में ग्राइंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने पंसार से पिसा पसाइस का पाउडर ले लेना है, मुलट्ठी पाउडर जो हर प्रोडक्ट्स में यूज होता है, नहायत आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। ये नहीं है कि नहीं मिलेगा इंडिया में भी और पाकिस्तान में, ठीक है। दोनों मुल्कों को मद्देनजर रखते हुए और जहाँ जहाँ मेरी वीडियो देख रहे हैं वहाँ वहाँ आपको मुलट्ठी पाउडर मिल जाएगा। हफ्ते की बनाने जा रहे हैं तो 3 चम्मच भर के आपने ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ हम आखिरी ऐड करने जा रहे हैं वो भी आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइट कर देगा। तो क्या है ये, लीमू। एक दिन की बनाने के लिए हमने 1/2 इसका लेना है लेमन, ठीक है, लेकिन मैंने आपको वैसे ये ज़ाया ना हो इसलिए मैंने इसके अंदर पूरा ऐड कर दिया है। और आप 1 वीक का इस्तेमाल कर रहे हैं क्रीम को बनाना, तो आपको 2 लेमन चाहिए मीडियम साइज़, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर ये देखें जी, अगर आप हाथों पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने पहले लीमू जो छिलके बच चुके हैं उसके साथ मसाज करना है, देन ये क्रीम अप्लाई करनी है। और फेस पे डायरेक्ट आप लीमू अप्लाई नहीं करेंगे, ये सिर्फ क्रीम अप्लाई करेंगे। आपको यहाँ तक समझ आया कि पूरी रात आपने लगे रहने देना है, मुझे 7वें दिन इसका रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करना है। आई प्रोमिस यार, आप इस क्रीम को बनाने के लिए क्रेज़ी हो जाओगे जब इसका रिज़ल्ट देखोगे दूसरी दफ़ा बनाने के लिए, ठीक है। रिज़ल्ट बहुत VIP है, बहुत ज़बरदस्त है, मेरे कहने पे इसे बनाइए देन फेस पे लगाइए, पूरा आपने जज़्ब करके सो जाना है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे केमिकल नहीं है जो जज़्ब करने से आपका टिश्यू या आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। केमिकल को स्किन में जज़्ब नहीं करते, सिर्फ उसको ऊपर से लगाते अगर आपकी मजबूरी हो तो, लेकिन अगर नेचुरल चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना है तो अंदर तक जज़्ब करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपके घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, नहीं भी है जाके ले के आओ, ये 10-20 रुपए में मुलट्ठी पाउडर मिल जाता है तकरीबन, अगर नहीं भी कुछ है तो 50 रुपए लग जाएंगे या 100 रुपए, ठीक है। फेयर एंड लवली तो हर घर में होती है, लगाइए मुझे बताइए इसका रिज़ल्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए।